नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन राव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही फेमस हैं लखनऊ में। हालांकि कोई भी व्यक्ति उनको नाम से नहीं जानता है, लेकिन उनकी पार्टी के नाम से ज़रूर जानता है, जिनका नाम है योगेश पासी जी। जी भाई। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। योगेश जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने पढ़ाई किस स्कूल से और कहाँ तक की है? देखिए भाइयों, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपकी JBC न्यूज़ एजेंसी के पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत बहुत आभार है इस बात का भी कि आपने मुझे चुना आज के दिन के लिए इंटरव्यू लेने के लिए। और प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने अपने घर से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद जो कॉन्वेंट स्कूल है रेडिगल, मैंने वहाँ से पढ़ाई किया। और लास्ट में मैंने बख्शी तालाब में एक GCRG कॉलेज है, वहाँ से मैंने IT से BTEC किया है। जी। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि आपके दिमाग में कब और कैसे आया कि हमको सुहेलदेव आर्मी पार्टी बनानी चाहिए? हाँ, पहले तो मैं आपको एक करेक्ट कर दूं कि एक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। जी। और क्योंकि पहले से ही मैं जो अपने राजा महाराजाओं को लेके, महापुरुषों को लेके काफ़ी चिंतित था कि हमारे समाज की कहीं बात नहीं होती है। जी। और बड़े बड़े बाम से भीम आर्मी और हिंदुत्व, ये सनातन वाले बड़े बड़े पोस्टर बैनर बनवाते हैं। जी। लेकिन आपके हमारे समाज के जो मार्शल कॉम है, जो शासक जातियां हैं, जी, उनके लोगों को कहीं स्थान नहीं देते हैं। तो काफ़ी बार मुझे भी उन प्रोटेस्ट में बुलाया गया। मैं एक दो बार गया भी तो देखा हमारे महापुरुष नदारद थे। जी। तो और जब हमारी बहन बेटियों के साथ गलत होता था, उनका रेप होता था, उनको जला के मार डाला जाता था, तो उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए, क्योंकि साइंस में एक कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी। इसीलिए हमको ऐसा लगा कि कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए कि हम सर्व समाज को ला सके, जो हमारा SC ST बैकवर्ड है, इसको हम एक पटल पे ला सके, ना कि उसे दलित, शूद्र, वंचित कह के उसका गौरवशाली इतिहास बताकर। क्योंकि चाहे रैदास समाज हो, चाहे कोरी समाज हो, चाहे पासी समाज हो, चाहे लोधी हो, चाहे कुर्मी हो, भारतवर्ष की अनेकों जातियाँ, उन्होंने मुगलों से और अंग्रेजों से लोहा लिया है। जी। उनके क्रांतिकारी रहे हैं। तो अगर हम उनका गौरवशाली इतिहास बता के उनको एक करें, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, तो वो काफ़ी हद तक एक मोरल क्रिएट होता है और अच्छा काम कर सकते हैं। तो आपने यही सोच के ये पार्टी का ये संगठन बनाया? जी जी, बिल्कुल। जी। और तीसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि महाराजा सुहेलदेव पासी के जन्मदिन के अवसर पर आप कितने दिए जलवाएंगे? एक्चुअली वो बिजली पासी जी के जन्मदिवस पे 25 दिसंबर को वीर सुरमरी 12 किलो के मालिक महाराजा बिजली पासी जी का जन्मदिवस आ रहा है। जी। और 2020 में हम लोगों ने शुरुआत किया था। जी। 2100 दिए जलवाए थे 2020 में। अभी 2021 में हम लोगों ने 5000 दिए जलवाए हैं। और 2022 में इस बार, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रण लिया था कि प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या हम दोगुनी करते जाएंगे, तो इस बार हम लोग 10000 दिए जलवा रहे हैं। और पिछली बार उन्होंने एक ध्वज यात्रा भी निकाली थी महाराजा बिजली पासी जी के एक ट्रिब्यूट करने के लिए, तो इस बार भी वो ध्वज यात्रा भी निकालेंगे और 10000 दिए भी हम लोग जलवाएंगे। चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि सुनने में आया है कि आपने अपने एक कार्यकर्ता यानी सूरज पासी को सुहेलदेव आर्मी से निकाल दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस हिसाब से SC ST बैकवर्ड की जो मार्शल कॉमें हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास है, और प्रत्येक समाज का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन जिनके पास में पठन पाठन का कार्य था, जिनके पास में इतिहास लेखन का कार्य था, उन लोगों ने हमें वरीयता ना देके, जैसे कि झलकारी बाई कोरी ने युद्ध लड़ा, युद्ध में शहीद हुई, उनके नाम को पीछे करके रानी लक्ष्मीबाई के नाम को आगे कर दिया गया, क्योंकि वो रानी थी और वो राजपूत समाज की थी, को कोरी समाज को वहाँ दबाया गया। इसीलिए देखिए, एक कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी या कोई मूवमेंट चलता है तो उसका एक विचारधारा होता है। हमने जब संगठन क्रिएट किया, आपने हमको देखा होगा, स्टार्टिंग का जो हमारा पहला मीटिंग, कोर मीटिंग था, उसमें हमने मार्शल कॉम की बात किया कि जो हमारी वीर जातियाँ हैं उनको हम एक करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। फिर आप बीच में बिना किसी से पूछे उसका वायलेशन करेंगे। हम आपको एक महीने से समझा रहे हैं कि भाई साहब, ये गलत है, ये RSS की लैंग्वेज सनातन ये मत यूज़ करिए। 5 साल मान लीजिए हम सनातन के नाम पे एकत्रित होते हैं इन केस, तो 5 साल बाद उसका एडवांटेज कौन उठाएगा? इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें वो विचारधारा चुननी है जिससे कि आपके समाज को फायदा हो, आपका समाज आगे जाके सत्ता की तरफ जाए, ना कि गुलामी की तरफ जाए। अगर आप सनातन कहते हो तो यही लोग उसका फायदा उठाएंगे। जी। उसका फायदा उठा के वो आपके लोग से वोट लेके फिर सत्ता में बैठेंगे, जैसे हमेशा होता है। इसीलिए कई बार समझाया, महीने भर बातचीत हुई और मिलने के लिए बुलाया गया, लेकिन नहीं आने पे
क्योंकि मैं फ़ोन पे वार्ता हो नहीं पाती है, तो मैंने वास्तविक मिलने के लिए बुलाया, लेकिन कई बार कहने पे भी नहीं आए। और लास्ट में उन्होंने जब हद पार कर दी, जब खुद को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया, तो मेरे सामने उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, तो मुझे उनको निष्कासित करना पड़ा अनुशासनहीनता के कारण, और बार बार अपना पर्सनल अकाउंट का बारकोड डालने के कारण और विचारधारा को भ्रमित करने के लिए मुझे उनको आजीवन निष्कासित करना पड़ा। आपका सरल शब्दों में यह कहना है कि उन्होंने पार्टी की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। देखिए, कोई भी चाहे हमारी राम मनोहर लोहिया के पचिन्हों पे चलने वाली हमारी समाजवादी पार्टी हो, बाबा साहेब भीमराव के पचिन्हों पे चलने वाली हमारी बहुजन समाज पार्टी हो, अलग अलग पार्टियां हैं, उनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा ही उनकी जान होती है। अगर विचारधाराओं को हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट करेंगे तो पूरी पूरी पार्टी और संगठन गिर जाएगा। इस बात को समझना चाहिए कि आपके समाज को लोग यूज ना कर पाए, कुछ ऐसा आप करिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं जी। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ही समाज को लीड करना है। अगर हम ही लोग दूसरों की बातों में आके भ्रमित हो जाएंगे तो समाज का जो गांव में रह रहा बच्चा है, बूढ़ा है, जो औरतें हैं, वो तो कहीं और चले जाएंगे और फिर से हम गुलाम हो जाएंगे जी। अगर ये लोग अगर हमारे इतने हितैषी थे, जो जब महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने 21 राजाओं का दल बनाया जिसको सोहल दल कहा गया जी जी। और सोहल दल के बाद जो 21 राजाओं ने उनको सम्राट घोषित किया जी जी। ये घटना ऐतिहासिक है, लिखी हुई है जी। तो ये हुआ कि उनके राजाभिषेक के लिए, सम्राट के राजाभिषेक के लिए ब्राह्मणों को न्योता दिया गया, ये लोग नहीं आए वहाँ पे जी। और मजबूरन जैन धर्म के ऋषि मुनियों को आकर उनका राजाभिषेक करना पड़ा। तो मैं कैसे मान लूँ इस शब्द को? मैं शैव धर्म का हूँ, भारशिव नागवंशी हूँ, मैं साफ साफ करता हूँ, मैं हर हर महादेव कहने वाला हूँ, क्योंकि चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे झलकारी बाई कोरी हो, चाहे उदय देवी पासी हो, चाहे लाखन पासी, चाहे सुहेलदेव पासी हो, चाहे सबसे लेटेस्ट आपकी वीरांगना हो जो जिन्होंने कई ठाकुरों का मर्डर किया था जी, वो भी महादेव को मानने वाले हैं, तो मैं उन्हीं को स्तुति करता हूँ क्योंकि मेरे महापुरुष उनको मानते थे जी। और एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि सुहेलदेव आर्मी का लक्ष्य क्या है आगे चलकर? सुहेलदेव आर्मी एक पार्टी के रूप में आएगी या जनसेवा के लिए ही समर्पित रहेगी? देखिए, संगठन मजबूत होगा जी जी। तो आप सब कुछ कर सकते हैं जी। आज जो पार्टियां गिर रही हैं, चाहे बीएसपी हो या कांग्रेस जी हो, इसीलिए गिर रही है कि उनका संगठन कहीं ना कहीं मजबूत नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले देखिए, हमें संगठन के तौर पे काम करना है, हमें लोगों का भरोसा जीतना है कि हम पहले खुद को भी आजमा लें कि हम किस हद तक अपने आप को ले जा सकते हैं और कितनी हमारे अंदर ताकत है जी। फिर तो वो भाई समय की बात है जी जी। वो समय पे हम छोड़ देते हैं, लोग खुद ही कहेंगे तो देखा जाएगा। ये राजनीति बहुत लंबी चीज़ है, पहले समाज सेवा कर लीजिए, उसके बाद तो बहुत लंबा रास्ता है जी। और आपकी पार्टी से पासी समाज को जुड़ना क्यों जरूरी है? देखिए, मैं पासी समाज ही नहीं बल्कि मैं तो रैदास, कोरी, लोधी, कुर्मी, हमारे जो कुम्हार भाई हैं, सभी को जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सुहेलदेव आर्मी नाम है लेकिन इसमें मार्शल समाज का एक प्लेटफॉर्म है, हमने एक विचारधारा बुनी है। क्योंकि इस प्रत्येक समाज का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, आईने अकबरी पढ़ते हैं, हम जब गजेटियर पढ़ते हैं इंग्लिश का, और यहाँ पे लखनऊ का अवध का गजेटियर पढ़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि कितनी वीरता से यहाँ की SC ST बैकवर्ड की जातियों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, लेकिन वही मक्कार इतिहासकारों ने उनको जगह नहीं दिया, उनको कविताओं में नहीं शामिल किया। आज हम आला उदल छंद पढ़ते हैं, बिजली पासी सातन पासी ने 3 महीने के 13 दिन के युद्ध में आला उदल को खदेड़ दिया था, लेकिन उसको कोई नहीं जानता। आपका कहने का मतलब है कि उनके इतिहास को दबा दिया गया? इतिहास को बढ़ाना है। आज सोशल मीडिया का माध्यम है, आज मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो 2-4 दिन में 12-15 हज़ार आदमी इसको देख लेगा जी जी। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो युवा है और जो पुराना आदमी है उसकी गाइडलाइन पे चल के अपने समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, पहली बात तो ये, और जो इतिहास चोरी हो रहा है जी जी। इतिहास चोरी होने से बचाने के लिए इस सुहेलदेव आर्मी का गठन किया गया है जी। आपका कहने का मतलब है कोई भी समाज का व्यक्ति हो, हाँ, कोई जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक समाज का गौरवशाली इतिहास है और उसको इसको जानना बहुत आवश्यक है। और वो अपने घर में अपने महापुरुषों की फोटो लगाए जिसमें जो नई पौध हैं, जो कोरे कागज है, हमारे छोटे बच्चे जब सीखेंगे तभी तो भाई, जब स्वाभिमान जगेगा तभी समाज मजबूत होता है, तभी मजबूत होता है। तो हमें स्वाभिमान ही पहुँचाना है, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। योगेश जी, सुहेलदेव आर्मी में कितने लोग जुड़ चुके हैं और कितने लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है अभी? देखिए, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है जी जी। मेरा बस एक लक्ष्य है कि अपना वर्चस्व जो पहले था जी जी। उसको वापस लाना। और लोग, ये तो भाई पैसेंजर ट्रेन है जी। मैं ड्राइवर हूँ, इंजन पे बैठा हूँ, मैं ट्रेन को चला रहा हूँ,
अब जिसका जहाँ पे औकात होगा, जो जहाँ पे जिसका प्लेटफॉर्म आ गया वो उतरेगा, और वहाँ से सैकड़ों लोग चढ़ेंगे भी। बिल्कुल, मुझे इसकी चिंता नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है जी। और फॉलोअर्स तो बहुत सारे हैं जी, जी। आप लोग जान ही रहे हैं, और कोई गिनती नहीं है जी। हाँ, कोई गिनती नहीं है। और ये हमारा पहला ऐसा संगठन है कि जब कोई सामने से बंदा कहता है कि भाई हमें स्वेल दो आर्मी ज्वाइन करना है, हम इस पद पे एलिजिबल करना चाहते हैं, आप मुझे रखिए, तो ही हम रखते हैं। अभी सबसे कम, सबसे फेमस संगठन है समाज में, लेकिन सबसे कम जिलाध्यक्ष हैं वो, इसीलिए कि देखना चाहते हैं, भाई हमने आपसे बात किया फोन पे, आपकी पोस्ट डाल दी जिलाध्यक्ष की, विधानसभा अध्यक्ष की, जी, जी। आपके विधानसभा क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में कोई घटना होती है, आप उस पर स्टैंड नहीं ले सकते 5 लोगों को ले जाके, तो मुझे आपको मनोनीत करने से क्या मतलब है। मुझे 20 लोगों की टीम हो, लेकिन एनर्जेटिक हो, जो काम कर सके, जो काम कर सके, जो दिखे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके, अपने इतिहास को बचाए और सारा काम करे। लोगों तक अगर कोई संगठन बनाया है तो उसकी सर्विस लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और एकता लाने का सबसे अच्छा जो बेड़ा है, लोगों की मदद करके ही हम समाज में एकता ला सकते हैं। बड़े बड़े भाषण देके, बड़ी बड़ी मीटिंग करके कुछ नहीं हो सकता। आज से पहले भी मीटिंग्स होती थी, भाषण होते थे, लेकिन एकता नहीं आई। क्योंकि जब किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती है, वो परिवार सहमा होता है, डरा होता है, चारों तरफ से उसको दबाया जाता है, अगर तब आप भाई उसके लिए खड़े हो जाओ तो उस परिवार का भी मोरल बढ़ता है, और अगल बगल के क्षेत्र, उस विधानसभा, उस जिले की जो चहक होती है। क्योंकि मोहनगंज में हम गए, तिलोई का मैटर था मोहनगंज थाने में, 2.5 किलोमीटर दूर उसका घर था, और ठाकुर समाज के लोग 2.5 किलोमीटर उस थाने तक नहीं पहुंचने दे रहे थे। ये हालत था। जब हम लोग पहुंचे तो उसकी कंप्लेन भी लिखी गई। आज 4 लोग वो लॉकअप में बंद हैं, आज उनको चलान हो गया, और SST एक्ट के हिसाब से उनको कुछ पैसा भी मिल गया, तो उनका फक्र बढ़ा, उनका हौसला बढ़ा। और आज उनके ही मोहनगंज से न जाने मुझे कितने व्हाट्सएप पे नंबर आ चुके हैं, सैकड़ों नंबर आ चुके हैं। उनको भी लगा कि कोई है हमारा। हाँ, एक यही तो विश्वास दिलाना है संगठन के माध्यम से, मैं यही विश्वास दिलाना है कि सबको एक वर्चुअल या जो भी ग्राउंड लेवल की एक समझ हो जाए, एक उनको वो हो जाए कि हाँ, अगर मेरे साथ गलत होगा तो कोई संगठन है जी, वो मेरे लिए आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, न्याय करेगा, और थाने का घेराव करेगा, और मुझे न्याय दिलाएगा। सीधी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। नहीं भैया, धन्यवाद। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहे हैं, जैसे आपने बताया बी फार्मा कर रहा हूँ, और बी फार्मा के साथ साथ आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं है जी, जी। कि बहुत बड़ा काम है, और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए, और आप लोग इसको कर रहे हो। मैं आपकी होल टीम को बहुत बहुत भाई धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो लोग कैमरे में नहीं है, कैमरे के पीछे, उनको भी और आपको भी। और इसी तरह से आप लोग भाई गुड वर्क करते रहे और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए अपने विचार, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।